हाय, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी उस्मा, और दोबारा से एक खूबसूरत सी शाम के साथ आपका कहते हैं अपनी इस बातों का आगाज़ करती हूँ। दोबारा से ध्यान मस्ती पार्टी करते हुए और वो आयान खेलते हुए जाएं, भैया को बुलाएं और खेलें मिलके। हाँ भाई, मिलके खेलो। हाँ जी, बॉल ले लो, बॉल अंदर ही फेंकना। कौन ला के देगा, अंदर फेंकेंगे तो नहीं। अंदर नहीं अयान, बेटा आप भी बाहर आ जाओ, जाओ अयान, आप ध्यान खेलो, ध्यान खेलो, आ जाओ अंदर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग, ठीक ठाक हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फर्स्ट क्लास, ठीक ठाक। और कैसे? अच्छा, मैंने भी कोई बात शुरू नहीं की जो आपने मुझे स्वीट ट्वीट लिख दिया। अच्छा, लेकिन पहले दिखाऊँ ज़रा, मैंने आज एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का कलर, येलो और वाइट कलर पहना है, जो मुझे लेमन कलर बहुत पसंद है। तो मैंने कहा चलिए थोड़ा सा आपको दिखाऊं। ये रही मैं। और कैसे हैं? ठीक है, फर्स्ट क्लास है। ज़िंदगानी कैसे जा रही है? हाय, अस्सलाम वालेकुम रफ़ी, जितने भी लोग हैं, हयात खान और फैसल, जितने भी लोग हैं सबको मेरा सलाम पहुँचे, यानी किस बता का सलाम पहुँचे। कैसे हैं आप, ठीक है जी? अब थोड़ी सी बात करते हैं क्योंकि बच्चा पार्टी जा खेलने में लग गई है, तो मैं कहा चलें थोड़ा सा हम आपके साथ चिट चैट करें। खूबसूरत सी शाम और खूबसूरत सा एक माहौल, एक खूबसूरत सा कहते हैं ना लोगों के नाम, तो आप सब लोगों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप लोग, ठीक ठाक हैं? अच्छा वाओ, अस्सलाम वालेकुम, किधर हो? मैं इस्लामाबाद में हूँ। मेरे ख्याल से 5 दिन से मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। मैं अभी फिलहाल इस्लामाबाद में हूँ। जब आपको ऐसी ग्रीनरी नज़र आए, जब आपको ऐसी चारों तरफ पहाड़ नज़र आए, खूबसूरती नज़र आए, तो समझ जाए कि कराची से कहीं हम बाहर निकले हुए। तो मैंने कहते रखा मैं आपको जो दिखा दूँ। तो और बताएं बाकी सब ठीक है, फर्स्ट क्लास है जी? अच्छा, क्या बोल रहे हैं आपने, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप बहुत अच्छी हो। नहीं यार, मैं अच्छी नहीं हूँ। अच्छा कहते ना, अच्छी साथ से खुदा की, हर इंसान में कोई ना कोई ऐब होता है, लेकिन हाँ कोशिश करती हूँ कि किस मेरी ज़ात से किसी को पहल में तकलीफ ना हो। हाँ, ज़बान से ना हो, सोच से ना हो, बातों से ना हो और इरादों से ना हो। बाकी तो अच्छा बुरा तो पता नहीं, मेरे पास अच्छी और बुरी की जो सफाई है वो यही है। मैं इसका यही वजह दे सकती हूँ कि जो आप किसी को तकलीफ़ ना दे, जो किसी के दिल में जगह बनाए, जो उनकी बातों को समझे, वो सबसे अच्छा है। अच्छा जी, और बताओ क्या है जी? रहमानी, आई डोंट नो, मैं समझी नहीं। फारिक, कौन फारिक? आपकी बहन फारिक हो गई है क्या? कोई मसला है, रिश्ता नहीं मिल रहा, कोई तकलीफ़ है, कोई चोट है, कुछ है? या तो बस तो फिलहाल करेक्टर लूज है उनका। दुआ करेंगे हम सब मिलके, जो भी भाई इधर है, कि अल्लाह मियाँ आपके बहन के नसीब अच्छे करें, क्योंकि अगर वो फारिक है तो बहुत बुरी बात है, फारिक नहीं होना चाहिए। अजान हो रही है और दिल से दुआ दे रही हूँ उन लोगों के लिए जिनके घर में बेटियाँ माएँ बैठी हैं। अल्लाह उनको हदायत दे और अकल दे कि वो अच्छी बात कहें, क्योंकि कल शायद आपने भी शादी करनी है और आपकी भी ज़िंदगी गुजरनी है। तो आपकी ज़िंदगी में जब आपकी बेटी आएगी ना, फिर मैं आपसे पूछूँगी उसके लिए कोई कोई बात बोलता है तो आपको कैसी तकलीफ लगती है, दिल चीर जाता है, दिल चाहता है कि उस शख्स को जान से मार दिया जाए। खैर, आप लोग नहीं समझ सकते, वही समझ सकता है जो उस बात को समझता है, जिसने जिनके माँ बाप ने उनको तरबियत अच्छी दी, जिनके घर में बहनें हैं, जिनकी बीवी हैं, जिनकी बेटियाँ हैं, और वो समझ सकता है कि एक लड़की के लिए बुरे अल्फाज अदा करना क्या होता है। तो बाजारा मुझे दर्स मत दीजिएगा कि शोबिस में है और फैन पेज पे हैं और आप भी कर रही हैं। मैं जो कर रही हूँ मैं अपने लिए कर रही हूँ, और मैं अपने पेज पे सब लोगों से कहती हूँ मेरे पेज पे वही आए जो मेरे दिमाग से मिलते हो, वरना मेरे दिमाग से जो नहीं मिलते वो मत आएँ, बेकार है मेरे पेज पे आना। खैर छोड़ इस बात को, और बताएं, मैं आपको थोड़ा व्यू दिखाती हूँ क्योंकि शाम हो गई है, थोड़ी देर के लिए खामोशी, ज़रा आज़ान हो जाए। आज़ान बात करते हैं जब तक आप थोड़ा इन्जॉय करें और मेरी बात को समझने की कोशिश करें, जो मैं काफ़ी हद तक समझाने की कोशिश आप लोगों को करती हूँ।
سبحان اللہ صلی اللہ سیدنا محمد مولانا سیدنا مبارک سلام رہے والا علیہ وسلم. اچھا اب تھوڑی دیر تک چلیں گے کیونکہ شام ہو گئی ہے, تھوڑی دیر تک سب چلیں گے, شام ہو گئی ہے تو پھر یہاں پہ جو مچھر کاٹیں گے نا سبحان اللہ. سبحان اللہ سخر دھیان ایان بیٹا باہر آ جاؤ, نکلیں گے پھر ہم تھوڑی دیر میں. ہاں کاکو میں ٹھیک ہوں, میرا بچہ آپ ٹھیک ہو؟ اچھا اذان ہو رہی ہے, تھوڑی دیر میں کرتی ہوں, اذان ہو رہی ہے بس ہم باہر ہی ہیں. اچھا کیا کیا لے لیا؟ اچھا اچھا جی جی میں بات کرتی ہوں. ہاں اذان ہو رہی ہے, کر رہی ہوں پانچ منٹ. ٹھیک ہے اوکے اوکے. آ جاؤ یہاں دھیان چلے پھر آ جاؤ. اچھا جی جاتے جاتے ہیں کیونکہ اذان ہو چکی ہے, اب زیادہ بات نہیں ہو سکتی. اور ہاں جاتے جاتے میں نے آپ سے پلیز ایک ریکویسٹ کرنی ہے, میرے سر عدنان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. اب تک کے سینئر پروڈیوسر ہیں سر عدنان, جن کے ساتھ میں پروگرام کو پردہ فاش کرتی رہی ہوں. اور بس آپ سے کہنا ہے پلیز 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 ان کی صحتیابی کے لیے دعا کیجیے گا, کیونکہ کافی میجر آپریشن ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور کافی تکلیف میں ہے ابھی جو صورتحال مجھے پتہ چلی ہے. تو سر عدنان آپ کے لیے اذان ہو رہی ہے, دل سے دعائیں اللہ آپ کو جلدی ٹھیک کرے اور کوئی بڑی مصیبت نہ آئے, کیونکہ آلریڈی یہاں پہ بڑی مصیبتیں بڑی نظریں ہیں. تو ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, پلیز سر عدنان کے لیے دعا کیجیے گا, اللہ ان کو زندگی دے اور ان کا سایہ ان کے بچوں پہ ان کی بیگم پہ سلامت رکھے. آمین سم آمین. میری طرف سے خدا حافظ, کیونکہ اذان ہو رہی ہے زیادہ بات اب نہیں ہو سکتی. تو بس کہتے نا پھر آپ سے ملیں گے, اور ہاں کل کوشش کروں گی اگر میں یہاں ہوئی تو ملاقات ہوگی, ورنہ پھر آپ سے کراچی جا کے بات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں رکھیے گا. اللہ حافظ.